इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासत कर्नाटक की जानिब से सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लिहाजा सड़कों पर सवारियां तक घूमने पर मनाई हुकूमत की जानिब से आयद की गई है। लिहाजा कोई भी अफराद यहां वहां नज़र नहीं आ रहा, दुकानों को बंद किया गया है, होटलों को भी बंद किया गया है। तो इसके मद्देनज़र खैर हुकूमत ने क्या सोच कर फैसला लिया, इस पर आज भी कई लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान करना बहुत एक आम ज़िंदगी को जीना उतना ही मुश्किल है। लिहाजा हमारे पीछे सेवा फाउंडेशन के वो नौजवान हैं कि आज के रोज़ वो सड़कों पर निकल कर गरीब ज़रूरतमंदों को, जिनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है और पैसे भी नहीं है, और अगर पैसे हैं भी तो होटल बंद है, लिहाजा ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को वो खाना पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। आज पूरा शहर खामोश है, सड़कें खामोश हैं, लेकिन सेवा फाउंडेशन के ये नौजवान हैं जो सड़कों पर निकल कर आवाम की खिदमत करें, लिहाजा वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल, कहाँ कहाँ बेलगाम शहर में जाकर जो है इन कामों को अंजाम दिया? हमने जो है यहाँ कैंप एरिया है, बोगारवेस है, फिर रेलवे स्टेशन, फिर चन्नम्मा है, फिर किले के पास जो है, ऐसे बेलगाम में जहाँ कहीं पे हम लोगों को जो है ये लोग दिख रहे हैं जिनके पास खाने की जो है उनको ज़रूरत है, और जो परेशान लोग हैं उनको हम लोग जो है ये सेवा फाउंडेशन की तरफ से जो है उनको खाना सप्लाई कर रहे हैं। और ये काम जो है हम लोग ये अभी तो आज तो लॉकडाउन है और बहुत जो है सख्त लॉकडाउन है, ये काम हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग जो है जो बीमार रोड पे वगैरह गिरे हैं जिनका कोई नहीं है उनको जो है लेके जाके उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं हम लोग, उनका खाने का रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं, और उनको अगर कोई ओल्ड एज होम में अगर हेल्दी है तो उसको वहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। अभी प्रॉब्लम जो हुआ है कि एक तो हॉस्पिटल में बेड्स का प्रॉब्लम हुआ है, और उसी के साथ जो है अभी ये मांगने वाले जो रोड साइडर्स हैं रेगुलर टाइम में जो है ये लोगों को कोई भीख दे देता था, पैसे दे देता था, तो वो लोग वो पैसा लेके जो है होटल्स में जो है इजीली अपना खाना जो है वो इंतज़ाम करके लेते थे। अभी एक तो कैसे है कि कोई उनको भीख देने वाला नहीं है, और कहीं से अगर पैसे मिल भी गए तो होटल्स वगैरह बंद है, तो जो है ये लोग बहुत परेशान हैं। और हम लोग देख रहे हैं अभी हम लोग जब खाना देने के लिए आए हैं तो रो रहे हैं वो लोग जो है, क्योंकि जो है उनको बहुत ज़रूरत है खाने की। तो सेवा फाउंडेशन जो है जितना हो सकता है अपने हाथ से उतनी खिदमत कर रहा है, और जो है ये सब मेरे सेवा फाउंडेशन के सब जो है साथी हैं मेरे साथ, और हम लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अल्लाह बख्श साहब, उन्होंने बताया कि लोग किस तरह से रोए हैं, किस तरह से वो अपनी ज़रूरतों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई उन तक पहुँच कर दो वक्त का खाना नहीं दे सकता। लिहाजा ये काम उस हुकूमत का है जो बिना सोचे समझे लॉकडाउन का ऐलान करती है और गरीबों को सड़क पर मरने के लिए यूं ही छोड़ देती है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ाम करना चाहिए था, कुछ समाज या खिदमतगार तंजीमें सड़कों पर उतर कर इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। होटल में काम करता है, क्या करने का होटल बंद है, क्या है सोने को जगह नहीं, सब लॉकडाउन करके बैठा है, पब्लिक क्या करने का, क्या मरने का, बोलो सब लोग क्या सेवा करने के लिए हम लोग आए हैं, एक चाय पीने को भी अलाउ नहीं इधर, सही है भाई, थैंक यू थैंक यू। कोरोना के मद्देनज़र शहर में लॉकडाउन है और सख्त लॉकडाउन है। कई सारे लोग होते हैं जो इन ख़बरों पर तवज्जो भी नहीं देते, लिहाजा वो सड़कों पर निकल पड़ते हैं, लेकिन
उनकी ज़रूरतों तक वो पहुंच नहीं पाते। एक और यहाँ पर जिस तरह से अभी आपने देखा कि सेवा फाउंडेशन किस तरह से खिदमत अंजाम दे रही है, उसी तरह से हेल्प फॉर नीडी के तहत यहाँ कुछ ऑटो रिक्शाज हैं और ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, और ये जो खिदमत दे रहे हैं वो भी एक काबिल तवज्जो है, काबिल दीद है। हमारे साथ शादाब मारियाकर मौजूद हैं, ये वो ऑटोज़ हैं जिसमें वो कोविड के पेशेंट्स के भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो तमाम ये मुफ्त में जो है वो मरीज़ों की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आप बताइए कि इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादाब मारियाकर है और हमें यहाँ स्टेशन से 6 गाड़ी इधर से हम लोग फ्री सर्विस छोड़े सो है पेशेंट्स के वस्तर हैंडीकैप के लिए। और जो है इधर थोड़े लोग भी ऐसा रो रहे कि एम्बुलेंस नहीं, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इसके लिए हम लोग फ्री सर्विस दिए इस वक्त। और हम लोगों को पुलिस भी थोड़ा अड़ा रहा है, पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, हम लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं ना, आते वक्त तो गाड़ी हमारा खाली ही रहने वाला, जाते जब क्या पेशेंट रह जाता है, तो इसके लिए हम लोग भी फ्री सर्विस रखे सो है, हमारी भी जान खतरे में डाल के हम लोग पेशेंट्स वगैरह सब बॉडी वगैरह सब उठा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे शादा भाई, वो बता रहे हैं कि मरीज़ अगर साथ में है तो पुलिस छोड़ देती है, लेकिन जब मरीज़ को वो छोड़ कर वापस आते रहते हैं तो ऑटो तो खाली ही रहती है। ऐसे वक्त में पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परेशान किया जा रहा है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इंतज़ामिया इस बात पर भी गौर करे कि जब खिदमत कोई और दे रहा है तो उसे कम से कम सराहा जाए और उसके अंदर रुकावट बनने की कोशिश ना करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।